सभी मित्रों को नमस्कार। बुद्धम चरणम गच्छामि। कल एक सज्जन मुझसे पूछ रहे थे, अब तो भगवान बुद्ध नहीं है, कैसे हम उनकी शरण जा सकते हैं। बुद्ध शब्द का अर्थ समझो, बुद्ध यानी जो जागा हुआ है, हमारे भीतर बोध की जो क्षमता है उसकी शरण चलो। ये बाहर किसी के प्रति झुकने का सवाल कम, स्वयं के भीतर जो अवेयरनेस है, स्वबोध, आत्मस्मरण की क्षमता है, उस चैतन्य की शरण में चलो। अर्थात बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनो। यह भावार्थ बुद्धम शरणम गच्छामि का है। चार आर्य सत्य की हमने चर्चा की थी और दुख निवारण के उपाय बुद्ध ने कहा है वह अष्टांगिक मार्ग है। आज हम अष्टांगिक मार्ग के प्रथम चार बिंदुओं की चर्चा करेंगे। पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी और चौथा सम्यक कर्म। शेष चार की चर्चा अगले सत्र में होगी। तो सबसे पहले सम्यक दृष्टि, इसका अर्थ है चीजों को वैसा ही देखो जैसी कि वो है। अक्सर हम अपनी भावना, अपनी धारणा, अपने विचार, अपनी फिलॉसफी, अपनी मान्यताओं और पूर्वाग्रहों के चश्मे लगा के देखते हैं और फिर हमें घटनाएं वैसी दिखाई नहीं देती जैसी कि वो वास्तव में है। हमारी धारणा का रंग उस पर चढ़ जाता है। यदि मैं हरा चश्मा लगा के देखूंगा तो सब कुछ मुझे हरा नजर आएगा। यह जगत का रंग नहीं है, यह मेरे चश्मे का रंग है। एक आदमी झूठ बोलता है, ये उसका अनुभव है, वो इस अनुभव का चश्मा चढ़ा के देखता है। उसको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया में सब लोग झूठ ही बोलते हैं। वो मान ही नहीं सकता कि कोई सत्यवादी है, क्योंकि वो स्वयं सत्यवादी नहीं है। उसका अपना अनुभव बताता है कि मनुष्य झूठ बोलता है, वो सारी मनुष्य जाति पर लागू कर देगा। इसका ठीक विपरीत, जो व्यक्ति सच बोलता है उसे कभी संदेह ही पैदा नहीं होता कि कोई झूठ बोल रहा होगा। कोई भी आके उसे धोखा दे जाए वो भरोसा कर लेता है, क्योंकि उसका अपना अनुभव यही है सच बोलने का। उसको लगता है सभी लोग सच बोलते होंगे। अगर भीड़ में कोई चिल्ला रहा हो कि चोरी हो गई चोरी हो गई, वो देखो वो आदमी इसकी जेब काट के भागा, मोस्ट प्रोबेबली यही आदमी है जेब कतरा। क्योंकि जब एक बार ही चिल्लाने लगेगा कि चोरी हो गई, वो देखो जेब काट के भागा, कम से कम इसकी तरफ तो कोई ना देखेगा, ये दूर कहीं बताएगा कि वो उस गली में चला गया। सबसे ज्यादा चोरी अल्लाह मचाते हैं कि चोरी हो गई, वो स्वयं चोर है। सावधान, हम अपनी धारणा का चश्मा चढ़ाकर जगत को देखते हैं। एक युवक को अपनी प्रेमिका जितनी सुंदर दिखाई देती है वैसी किसी को भी दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये प्रेम का चश्मा चढ़ा के देख रहा है। 10-15 दिन बाद हो जाने तो इसकी शादी, 15 दिन के बाद इसको भी सुंदर दिखाई नहीं देगी। वो तभी बड़ा हैरान होगा कि मेरे सारे परिवार के लोग और मित्रगण ठीक ही कहते थे, कि 15 दिन शादी के पहले तक भीतर एक केमिकल नशा था, हार्मोन्स का प्रवाह हो रहा था, न्यूरोट्रांसमीटर्स भीतर चेंज हो गए थे, वो कुछ का कुछ दिखा रहे थे। एक आंतरिक नशा, प्रेम का नशा, एक दीवानगी छाई थी। याद रखना, जब इसका पत्नी से झगड़ा होगा और तब ये जो कहेगा तब भी गलत कह रहा है। तब पहले इसको अप्सरा दिखाई देती, अब इसको चुड़ैल दिखाई दे रही है। वो स्त्री ना अप्सरा है ना वो चुड़ैल है। एक प्रेम के चश्मे के थ्रू देखा गया दृश्य था, दूसरा क्रोध के थ्रू देखा गया है। दोनों बातें असत्य हैं। बड़ी मुश्किल है, हम इस जगत में सत्य की खोज करते हैं, पता ही नहीं चलता सत्य क्या है, क्योंकि हम अपने पूर्वाग्रह, अपने प्रिजुडिस,
हमारी मान्यताएं, हमारी धारणाएं, हमारी भावनाएं, हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं कुछ भीतर, वो हमें कुछ का कुछ दिखाती है। मैंने सुना है मारवाड़ी सेठ चंदूलाल सड़क पे जा रहे थे, मुल्ला नसुद्दीन उनके साथ था। अचानक सेठ चंदूलाल झुके नीचे जमीन पे और सड़क पे से कुछ उठाया और फेंका, उनका थूक थूक। नसुद्दीन ने कहा हुआ क्या? मारवाड़ी सेठ ने कहा कि लोग खखार भी ऐसा थूकते हैं कि अठन्नी जैसी दिखाई देती है। हमारे भीतर लोभ है, लालच है, ऐसा और किसी को नहीं दिख रहा, मगर सेठ चंदूलाल को तो दिख रहा है। वो तो अठन्नी समझ को खाए थे और बहुत नाराज हुए लोगों। हमारे भीतर काम वासना हो तो हमें कुछ का कुछ दिखाई देगा, हमारे भीतर लोभ हो तो कुछ का कुछ नजर आएगा, हमारे भीतर क्रोध हो तो कुछ और नजर आएगा, प्रेम हो तो कुछ और नजर आएगा। नसरुद्दीन ने हिल स्टेशन पे एक मकान बना रखा था और यदा कदा कभी वहां जाता था, कभी कह के जाता कि एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, तीन दिन में वापस लौट आता, कभी कह के जाता पांच दिन के लिए जा रहा हूँ, दस दिन लगा देता। आखिर मित्रों में थोड़ी चर्चा फैली कि भी आप कभी भी सुनिश्चित बात क्यों नहीं कहते, जब आप वहां जाते हो कहते कुछ हो और करते कुछ हो। नसरुद्दीन का कि पहले से तय नहीं हो सकता, वहीं जाके तय होता है। लोगों ने उत्सुकता हुई कि ऐसा क्या मामला है। नसरुद्दीन कहा कि वहां पे घर की देखभाल करने के लिए मैंने एक मेड सर्वेंट रखी है, बहुत ही बूढ़ी और कुरूप से कुरूप महिला मैंने चुनी है, उस इलाके की सर्वाधिक खतरनाक दिखने वाली कुरूप महिला, उसको मैंने काम पर रखा है। लोगों ने पूछा इससे क्या होता है, वो तो आप दिन बदल देते उसमें। नसरुद्दीन कहा सुनो, मैंने तय किया है कि जिस दिन मुझे वह सुंदर दिखाई देने लगेगी उस दिन मैं वापस लौटाऊंगा। तो पहले से पक्का नहीं होता, कभी तीन दिन में, कभी सात दिन में, कभी दस दिन में, जब भीतर वासना इकट्ठी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, कुछ का कुछ दिखाई देने लगेगा। सावधान, हम जैसा देख रहे हैं वह हमेशा ही असत्य देख रहे हैं। ध्यान का साधक सत्य की खोज में चला है, अगर वो इस भांति चीजों को देखता रहा तो जीवन के सत्य से कभी भी परिचित नहीं होगा, ना बाहर के ना अपने भीतर के। वो हमेशा कुछ चश्मा लगा के देखता है, हमें कुछ का कुछ दिखाई देता, कुछ का कुछ सुनाई देता। नसरुद्दीन और चंदूलाल सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, सुनसान इलाका था, एक जगह सड़क के किनारे खड़े होके पेड़ पे बैठे पंछी की आवाज सुनने लगे। नसरुद्दीन कहा देखा ये है असली धार्मिक पंछी, बिल्कुल साफ साफ कह रही है अल्लाह खुदा बरकत, अल्लाह खुदा बरकत, अल्लाह खुदा बरकत। चंदूलाल ने कहा बकवास बंद करो, तुम कट्टरपंथी मुसलमान, तुम्हें ऐसा सुनाई दे रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चिड़िया एकदम सतनामी चिड़िया है, कह रही है राम सिया दशरथ, राम सिया दशरथ, राम सिया दशरथ। दोनों में झगड़ा हो गया, वो उससे कह रहा कि तुम कट्टरपंथी हिंदू हो, ये तुम्हारी धारणा है, चिड़िया तो साफ साफ अल्लाह खुदा बरकत कह रही है, वो कह रहा कि नहीं राम सिया दशरथ कह रही है। फिर आखिर उन्होंने तय किया कि अब ऐसा करते हैं, यहां से कोई तीसरा व्यक्ति निकलेगा निष्पक्ष, उससे पूछेंगे। दोनों रुके रहे थोड़ी देर तक, थोड़ी देर में एक सब्जी बेचने वाला अपना ठेला धका दू वहां से गुजरा, उसको रोका और कहा रुक भाई जरा गौर से सुनिए चिड़िया की आवाज क्या कह रही है ये। उसने गौर से सुनी, आंख खोली और कहा कि तो बिल्कुल साफ कह रही है आलू प्याज अदरक, आलू प्याज अदरक, आलू प्याज अदरक। हमें वही सुनाई देगा जो हम सुन सकते हैं, जो हम सुनना चाहते हैं। इसलिए दुनिया में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग, इतनी लड़ाई झगड़े, इतने कलह होते हैं, पति पत्नी एक दूसरे की नहीं समझ पाते। ऐसा लगता है हमने कह तो दी अपनी बात, ये कैसी औरत है, समझती क्यों नहीं, साफ साफ मैंने समझा दिया, मगर वो समझी तो, मगर वो कुछ और समझी, और उसने जो कहा वो पति नहीं समझ पाए। हर पत्नी को आश्चर्य होता है कि हमारे माता पिता ने कहां का लड़का ढूंढ दिया,
इसकी डिग्री पर शक होता है पढ़ा लिखा है कि नहीं, छोटी सी बात समझ नहीं आती इसको, कुछ उल्टा ही समझ लेता है। पिता की बात पुत्र नहीं समझता, पुत्र की बात पिता नहीं समझता, बॉस की बात सबॉर्डिनेट नहीं समझते, सबॉर्डिनेट की बात बॉस नहीं समझता। कारण हम सबके अपने अपने फिक्स्ड एटीट्यूड वाले चश्मे हैं, हमारे कान में जो आवाज पड़ती है उसका इंटरप्रिटेशन हम खुद करेंगे अपने हिसाब से और सारा अर्थ बदल जाएगा। भगवान बुद्ध कहते हैं सम्यक दृष्टि। दूसरा पॉइंट भी कहते हैं सम्यक संकल्प। हम दो अतियों पर डोलते हैं, या तो हम अति संकल्पवान हो जाएंगे, हठी जिद्दी अहंकारी करके ही रहेंगे, कुछ मानेंगे ही नहीं, प्राण जाए पर वचन न जाए, अब तो करके ही रहेंगे, जो कह दिया बस अटक, ये भी गलत है। और दूसरी अति है डवाडोल चित्त, अनिर्णायक चित्त, कुछ तय ही नहीं कर पाता, इनडिसिसिवनेस, अनिर्णय में डोलना, ये करें कि वो करें, ये ठीक कि वो ठीक। गालिब का शेर आपने सुना होगा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। हजारों ख्वाहिशें और एक एक ख्वाहिश पे दम निकल रही, जान लगाने तैयार है और हजारों अरमान है और फिर भी लग रहा है कि अभी भी कम अरमान और ज्यादा होते। जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी हमारी जीवन ऊर्जा उतनी ही बट जाएगी टुकड़ों टुकड़ों में, खंड खंड में, एक हिस्सा पूरब खींच रहा है, दूसरा पश्चिम जा रहा है, तीसरा दक्षिण, कोई उत्तर, कोई ऊपर, कोई नीचे, बड़ी फजीहत हो जाएगी। जरा सोचो एक कार में चार इंजन लगे हों, एक आगे पीछे एक दोनों साइड में, और सब एक साथ स्टार्ट कर दो, ये कार कहाँ पहुंचेगी? ये कहीं भी नहीं पहुंचेगी, वही नष्ट भ्रष्ट होकर रह जाएगी। हमारे पास बहुत सारी इच्छाएं हैं विपरीत दिशाओं में जाने वाली, इसमें से कौन सी पूरी हो पाएगी? कोई पूरी नहीं हो पाएगी, जिंदगी पूरी हो जाएगी, इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। मिर्जा गालिब के बारे में मैंने सुना है, उस समय हाईकोर्ट अंग्रेजों के राज्य में कलकत्ता में हुआ करता था, एक कुछ जमीन जायदाद का मुकदमा था, वो दिल्ली से कलकत्ता गए केस लड़ने के लिए, 3.5 साल लगे। क्यों? किसी गांव से गुजरे, वहां एक सुंदरी नजर आ गई, फिर वो वहीं बस गए, वहीं बैठ के गजलें लिखते रहे, हो गया प्रेम। फिर जब लड़ाई झगड़ा हुआ तब अगले गांव गए, वहां सुंदरियों की कोई कमी है? आपके पास कभी हृदय हो तो बस सुंदरियां ही सुंदरियां। दिल्ली से कलकत्ता घोड़े पर पहुंचने में 3.5 साल लगे, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। संकल्प का अर्थ होता है एक इच्छा शक्ति, ओशो जिसको कहते हैं प्यास, अभीप्सा, पूरी जिंदगी उस पे दांव पे लग जाए तो जाके जीवन में सफलता हासिल होगी, चाहे वह जीवन में बहिर्मुखी बाहर का लक्ष्य हो अथवा भीतर का लक्ष्य हो, अध्यात्म का लक्ष्य हो। ये चंचलता, हजारों ख्वाहिशें नहीं चलेंगे, आपको चुनना होगा क्या इसमें सार्थक है, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो बुद्ध कहते हैं सम्यक संकल्प, और उसके पीछे भी दीवानगी ना हो, पागलपन ना हो, हठ और जिद्द ना हो, अहंकार ना हो। बहुत लोग अहंकार के वशीभूत होकर कुछ कर जाते हैं, लोग उनको संकल्पवान समझते हैं, नहीं वो संकल्पवान नहीं है, वो सिर्फ शुद्ध अहंकारी हैं, उनके जीवन में कभी शांति और आनंद फलित नहीं हो सकेगा। और दूसरे लोग जिनके भीतर हजारों ख्वाहिशें हैं, इनके जीवन में भी सदा विफलता हाथ लगेगी, कुछ भी हासिल नहीं होगा, बड़े विषादग्रस्त होंगे, क्योंकि जीवन है छोटा सा, शक्ति है थोड़ी सी, समझ है थोड़ी सी, अगर आपकी दिशा ही तय नहीं हो पाई कि जाना कहाँ है, फिर कहीं भी पहुंचना कैसे संभव है। तो सम्यक संकल्प भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग का दूसरा हिस्सा। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है सम्यक वाणी, जो हम बोलते हैं याद रखना वह भीतर के विचारों से जुड़ा है। विचार को ऐसा समझो कि अप्रगट वाणी, अनमैनिफेस्टेड थॉट्स,
और वाणी ऐसे है जैसे मैनिफेस्टेड थॉट्स, जो विचार प्रकट हो गए उसको हम वाणी कहते हैं, और जो अभी प्रकट नहीं हुए वो भीतर विचार हैं। अक्सर हम विचारों के साक्षी होने का प्रयत्न करते हैं और इस कोशिश में हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि विचार है बहुत सूक्ष्म और बारीक, उसको देख पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन वाणी, वाणी तो बहुत स्थूल नहीं, बहुत सूक्ष्म भी नहीं, मध्य में है। कुछ वचन हम मुंह से बोल रहे हैं, कम से कम इसके प्रति तो जागृत हो जाएं। यदि हम वाणी के प्रति जागृत होना सीख गए तो जल्दी ही वो समय आएगा ये वाणी जिन विचारों से आ रही है हम उनके भी साक्षी हो पाएंगे। तो कई मित्र कहते हैं कि हम विचारों के दृष्टा नहीं हो पाते, विचारों में उलझ जाते हैं, सो जाते हैं, क्या करें। मैं कहता हूं छोड़ो, फिलहाल विचार की चिंता छोड़ो, अपनी वाणी के प्रति होश साधो, बात बन जाएगी। जब तुम बोल रहे हो होश पूर्वक, और मुख्य रूप से तीन बातों का ख्याल रखना जब बोल रहे हो, क्या तुम्हारी वाणी में सत्यम शिवम सुंदरम है, क्या तुम जो कह रहे हो वो सच है, क्या वह शिवम हितकारी मंगलदायी है, और क्या वह सुंदर है। एक खूबसूरत प्रस्तुति तुमने अपने विचारों को दी है, अगर ये तीनों बातें हैं तो आपकी वाणी सम्यक वाणी है। लेकिन जीवन में ऐसे बहुत से मौके आएंगे जब तीनों बातों का समन्वय संभव नहीं है। कई बार ऐसा होगा कि सत्य बोलोगे तो कड़वा लगेगा, असुंदर हो जाएगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सत्य बोलने से अहित हो जाएगा, फिर क्या करोगे। भगवान बुद्ध कहते हैं तुम इसका स्मरण रखना मध्य मार्ग का, सत्यम शिवम सुंदरम में शिवम बीच में है। तुम्हारी वाणी हितकारी हो, कल्याणकारी हो सकता है कभी कभी असत्य भी बोलना पड़े, और ये भी हो सकता है कभी कभी असुंदर तरीके से बोलना पड़े। आप अपने बच्चे को कुछ समझा रहे हैं, वो नहीं समझ रहा, आप डांट के बोलते हैं, ये सुंदर तरीका तो नहीं है, लेकिन फिर क्या करें। अगर बच्चे के लिए हितकारी है तो तब भी आपकी वाणी सम्यक वाणी कही जाएगी, माना कि सुंदर तरीका नहीं था। कई बार झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी भावना, आपका इंटेंशन हितकारी होने का है, कल्याणकारी होने का है, तो वह सम्यक वाणी फिर भी है। तो कोशिश करना तीनों बातें हों, सत्यम शिवम सुंदरम। अगर ना हो सके तो कम से कम सत्य और शिवम हो, कम से कम शिवम और सुंदरम हो, और अगर इतना भी ना हो सके फाइनल बस कल्याणकारी हो, और अगर इतना भी ना हो सके न सत्यम न शिवम न सुंदरम, बेहतर है मौन रह जाओ। मौन से कभी नुकसान नहीं होता, बोलने से हमेशा फजीहत होती है। आप गौर करना, आज तक आपके जितने कलह और लड़ाई झगड़े हुए हैं वो सब आपकी असम्यक वाणी की वजह से हुए हैं। काश हम दो मिनट चुप रह गए होते, बात आई गई खत्म हो जाती, लेकिन हम जल्दी से उचक पड़े, कुछ आवेश में बोल दिया, उत्तेजना में बोल दिया, फिर सामने वाले ने प्रतिक्रिया की, फिर हम और रिएक्शन में आ गए, फिर वो भी रिएक्शन में आ गया, और फिर मामला पता नहीं कहां पहुंचता है। छोटी सी चीज से शुरू होती है बात, शायद कोर्ट कचहरी में खत्म हो, 10-15 साल केस मुकदमे चले। महाभारत की शुरुआत जानते हैं कैसे हुई थी, पांडवों ने बहुत सुंदर भवन बनवाया था और पहली बार अभ्रक की चट्टान का उपयोग किया था फर्श में, पहली बार, इसके पहले कभी उपयोग नहीं हुआ था, नई चीज थी, चमकती हुई अभ्रक का फ्लोर। और फिर कौरवों को बुलाया, महल अपने सुख के लिए थोड़ी होता है, दूसरे को दुख देने के लिए होता है। बैठी है हमारी मंजूषा माँ ताजमहल में रहती है, अगर कोई ईर्ष्या से न भरे तो फायदा क्या। तो
कौरवों को निमंत्रण दिया है। दुर्योधन आया, उसने कभी देखा नहीं था चमकदार फर्श ऐसा। वो समझा कि पानी है, उसमें मेरी छाया बन रही है, तो उसने अपनी धोती थोड़ी ऊपर उठा ली कि कपड़ा गीला ना हो जाए। और तब द्रौपदी हंसी और कहा कि अंधे की औलाद अंधी होती है। सिर्फ यही कटु वचन बोलने के लिए बुलाया था, उसके लिए इतना खर्चा किया था, महल बनवाया था। अगर देवर भाभी तक की मजाक सीमित होती तो भी चल जाता, अब बात ससुर तक जा पहुंची। अंधे की औलाद, धृतराष्ट्र का बेटा। फिर इस अंधे की औलाद ने भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण करने की कोशिश की कि अंधे की औलाद देखना चाहती है। फिर बात आगे बढ़ती जाती है और फिर रणभूमि में महायुद्ध होता है। भगवान कृष्ण मौजूद थे, जिनको पूर्ण अवतार कहा जाता है, 16 कलाओं युक्त, वे पूर्ण अवतार भी इस युद्ध को नहीं रोक पाए। अब मामला हाथ से बहुत दूर निकल गया, कोई नहीं रोक सकता। वो शुरुआत कहां से हुई थी? एक छोटी सी कटु वचन से। तो प्यारे मित्रों, अपनी वाणी के प्रति बहुत सतर्क रहना, आप क्या बोल रहे हो। और इसका एक लाभ मिलेगा, जब आप वाणी के प्रति होशपूर्ण होने लगे तो वो जो भीतर की वाणी चल रही है, विचार, आप उसके प्रति भी साक्षी होने लगोगे। फिर अष्टांगिक मार्ग में चौथा वचन, भगवान बुद्ध कहते हैं सम्यक कर्मांत, हमारे एक्शन, हमारी क्रियाकलाप, उनके प्रति सजग बनो। भिक्षुओं ने एक दिन पूछा, भगवान हमें ध्यान करने का समय नहीं मिल पाता, अधिकांश समय तो इसी में चला जाता है, भिक्षाटन के लिए जाते हैं, दूर दूर गांव है, 20-25 किलोमीटर पैदल गए, वहां भिक्षाटन किया, फिर वापस लौटे, थक गए, ध्यान कब करें। बुद्ध ने कहा तुम चलने की क्रिया को ही ध्यान बना लो। चक्रमण ध्यान की शुरुआत हुई, होश पूर्वक चलो, शरीर की छोटी से छोटी क्रिया होश पूर्वक करो, तो अपने कर्म के साथ होश को जोड़ो। जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, स्नान कर रहे हो होशपूर्वक स्नान, अपने ऑफिस में काम कर रहे हो कि घर में कुछ साफ सफाई कर रहे हो, होशपूर्वक करो, हर छोटी छोटी चीज को होशपूर्ण प्रेमपूर्ण करो। एक मित्र मुझसे पूछते थे कि भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सब चीजें सम्यक 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 है, प्रेम तो कहीं आता ही नहीं, जबकि ओशो की देशना प्रेम की है। मैंने उनसे कहा कि आप चाहो तो सम्यक शब्द का रिप्लेसमेंट प्रेम पूर्ण कर लो, बात बन जाएगी, बात वही की वही है। छोड़ दो सम्यक वाणी सम्यक कर्म, आप कर लो प्रेम पूर्ण वाणी प्रेम पूर्ण कर्म, बात वही की वही है। अपने कर्म को प्रेम पूर्वक करो। ओशो कहते हैं योर वर्क विल बिकम वर्शिप, तुम्हारा कर्म ही पूजा हो जाए। किसी मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है, अपने सामान्य जीवन की क्रियाकलापों को जब आप होशपूर्वक प्रेम पूर्वक करेंगे, पूजा हो गई, इससे बड़ी और कोई पूजा नहीं। तो हम किस दृष्टि से चीजों को लेते हैं, बहुत प्यार से, कैसी वाणी बोलते हैं, कैसा कर्म करते हैं, सवाल ये नहीं क्या करते हैं, सवाल ये कैसे करते हैं। यदि उसमें होश और प्रेम जुड़ गए तो हमारा कर्म सम्यक कर्म हो गया। अष्टांग मार्ग के ये चार प्रथम बिंदु